माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान सुशील कोइराला जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री खागा राज्य अधिकारी जी, भारत के विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा जी, ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर श्री, उपस्थित सभी महानुभाव, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बहुत ही कम अवधि में मुझे दोबारा नेपाल की भूमि के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इन दिनों विश्व के कई देशों में मेरा जाना हुआ है, कई वैश्विक स्तर की मीटिंगों में जाना हुआ है, लेकिन नेपाल के साथ मेरी जो स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, नेपाल ने मुझे जो प्यार दिया है, अपनापन दिया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, और इसके लिए मैं नेपाल का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज ये ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण हो रहा है, एक प्रकार से ये जीवन रक्षा का अभियान है। फर्स्ट गोल्डन आवर आकस्मिक संजोगों में इंसान की जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है, और उस फर्स्ट गोल्डन आवर में अगर उपयुक्त सुविधा मिल जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट का सहारा मिल जाए, तो इंसान की जिंदगी बचाई जा सकती है। नेपाल और भारत के मैत्री का ये उत्तम नजराना है, जो एक प्रकार से जीवन की सौगात दे रहा है, और जो नजराना जीवन की सौगात देता है वो हमें जड़ों से जोड़ता है, हमें जीवन से जोड़ता है, हमें अरमान से जोड़ता है, और हमें अरमान पूर्ण करने के लिए प्रयास करने की एक शक्ति भी देता है। और इसलिए ये ट्रॉमा सेंटर भारत और नेपाल के बीच एक जीवंत संबंध का उदाहरण बन रहा है, और आगे भी इस ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन करना होगा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट की आवश्यकता होगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी। भारत भविष्य में भी इस काम में नेपाल के साथ रहेगा, पूरी सहायता करता रहेगा, और हम चाहेंगे कि नेपाल अपने पैरों पर खड़े होकर के इस ट्रॉमा सेंटर को चलाने का उसमें सामर्थ्य आए, वहाँ तक जो भी मदद चाहिए भारत खुले दिल से यहाँ के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सदा सर्वदा आपके साथ खड़ा है। और वो हमारे लिए सौभाग्य होगा, एक प्रकार से अपनों की सेवा करने का ये अवसर है, और अपने यहाँ तो सेवा परमो धर्म ये शास्त्र ने कहा है, और जिस शास्त्र ने हमें सेवा परमो धर्म कहा है उस शास्त्र से हम दोनों जुड़े हुए हैं, और इसलिए एक सेवा का ये प्रकल्प है, और मुझे गर्व है कि आज मुझे उस समारोह में लोकार्पण के काम में आने का अवसर मिला, और भारत और नेपाल के
एक अटूट नाता, जीवंत नाता, उसका एक जीवंत स्मारक हमारे सामने आज खड़ा हुआ है। इस बार जब मैं पिछली बार आया था तब भी मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं उस समय तो जनकपुर, मुक्तिनाथ और लुम्बिनी नहीं जा पाया था। मैंने कहा था मैं अगली बार आऊँगा, जाऊँगा। इस बार भी मेरा इरादा था कि मैं बाय रोड जाऊँ। बाय रोड जाने का मेरा इरादा इसलिए था कि मैं खुद अनुभव करना चाहता था कि नेपाल से वहाँ आने वाले लोगों को क्या दिक्कत होती है, क्या तकलीफ़ होती है, भारत से उस तरफ जाने वाले लोगों को क्या दिक्कत होती है, क्या तकलीफ़ होती है, उसे मैं अपने खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था और फिर मैं उसको ठीक करना चाहता था। लेकिन समय अभाव के कारण मैं इस बार उसे नहीं कर पाया हूँ। मैं विशेष रूप से जनकपुर, लुम्बिनी और मुक्तिनाथ, वहाँ के नागरिकों को जो कष्ट हुआ है, जो निराशा हुई है, वो मैं भली भांति उनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ निकट भविष्य में जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं आपके बीच आऊँगा, आपके प्यार को मैं भली भांति दूर बैठे बैठे भी अनुभव कर रहा हूँ। और इसलिए वहाँ के सभी नागरिकों को मैं विश्वास दिलाता हूँ और नेपाल के हर नागरिक का, भारत पे पूरा अधिकार है, भारतीयों पर पूरा अधिकार है, भारत सरकार पर अधिकार है और भारत के प्रधान सेवक पर प्रधान अधिकार है। मैं जब पिछली बार आया था और आज मैं आया हूँ, 100 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन जब विश्वास का इंजन किसी काम को लग जाता है तो काम कितनी तेजी से होता है, कितना अच्छा हो सकता है, इसका मैं आज अनुभव कर रहा हूँ। आज नेपाल और भारत के बीच भरोसे का, विश्वास का एक बहुत बड़ा हॉर्स पावर वाला इंजन लग गया है, जो विश्वास का इंजन है, भरोसे का इंजन है। और उसी के कारण 100 दिन के अंदर जिस प्रकार से नेपाल और भारत ने एक के बाद एक निर्णय किए, काम शुरू किया, 25-25, 30-30 साल से रुके हुए काम, ये आज आगे बढ़े हैं। हमारे यहाँ कहावत है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ये संभव इसलिए हुआ है, नेपाल सरकार, नेपाल के सभी राजनीतिक दल, नेपाल के प्रशासनिक व्यवस्था में जुड़े हुए अधिकारी, उन सब ने मिलकर के आगे बढ़ने की शुरुआत की, आगे बढ़ाया और छोटी मोटी रुकावटें आई तो उन रुकावटों को भी बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उसका निराकरण करते हुए चीजों का ठोस रूप देने का काम किया है। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनकी सरकार का, सभी राजनीतिक दलों का, प्रशासनिक अधिकारियों का भारत की तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये काम न किया होता तो आज 100 दिन के भीतर भीतर 25-25, 30-30 साल से लटके हुए काम, अटके हुए काम आज पूरे न होते। और मैं आज एक संतोष का भाव अनुभव कर रहा हूं कि मेरी पहली मुलाकात और दूसरी मुलाकात के बीच में तेज गति से एक के बाद एक फैसले हुए हैं और वो फैसले
नेपाल के जीवन को तो ताकत देने वाले हैं, भारत को बहुत बड़ा संतोष देने वाले हैं। हमारे लिए नेपाल की खुशी, नेपाल का आनंद हमारी मुस्कुराहट का कारण बनता है। अगर नेपाल खुश नहीं तो हिंदुस्तान मुस्कुरा नहीं सकता है, और इसलिए हमारे लिए नेपाल की खुशी ये हमारे लिए संतोष की औषध है, और उस संतोष की औषध हमें प्राप्त हुई है, उसके लिए नेपाल के संबंधित सभी जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। खास तौर पर हाइड्रो पावर कितने समय से ये लटका हुआ था, कितने विवाद चल रहे थे, आशंकाओं के बादल हर बार छाए रहते थे, लेकिन यहाँ के सभी राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार की दूरदृष्टि का परिचय करवाया है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि पावर ट्रेड एग्रीमेंट 900 मेगावाट अपर कर्नाली प्रोजेक्ट, पंचेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी 900 मेगावाट क्षमता वाले अरुण 3 प्रोजेक्ट, यानी एक के बाद एक, शायद 10 साल में एक चीज हो जाए तो भी बड़ा आनंद हो जाता है। यहां तो 100 दिन में इतने सारे काम आगे बढ़ गए, तो आप कल्पना कर सकते हैं दो देश मिलकर के क्या नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमने कहा था ट्रांसमिशन लाइन के संबंध में, हम चाहते थे कि नेपाल को बिजली मिले, ज्यादा बिजली मिले, ट्रांसमिशन लाइन मजबूत बनाने के लिए बहुत ही कम समय में काम पूरा हो जाएगा, 125 मेगावाट बिजली और यहाँ आना शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, एक नई लाइन तैयार हो रही है और जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट की है। अब नेपाल जगमगा उठेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। हमने पिछली बार कहा था कि $1 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ नेपाली रुपयों की कीमत जिसकी होती है, कम ब्याज और लंबे समय के लिए हम देंगे। आज हम मिल रहे हैं, उसका फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा, और ये भी काम एक प्रकार से आज पूरा हो गया मान लीजिए। हम एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर करार कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ नेपाल और भारत को जोड़ने के लिए ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था हो रही है, और उसी के तहत आज ही काठमांडू से दिल्ली रेगुलर बस सर्विस शुरू करने का भी हमें सौभाग्य मिल रहा है। और काठमांडू से दिल्ली जब रेगुलर बस सर्विस शुरू होती है तो यहाँ के सामान्य मानव की जिंदगी में वो कितने बड़ी आर्थिक रूप से सहाय करने वाली सुविधाजनक होती हैं, उसका आप अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन नेपाल और भारत के बीच ये टूरिज्म की दृष्टि से चलने वाली बस में यात्री भी उसका फायदा उठाते हैं, इंटरनेशनल यात्री भी प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने के लिए बस से सफर करना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि नेपाल का टूरिज्म भी बढ़े, लेकिन टूरिज्म बढ़ता है उसके लिए कुछ सुविधाएं चाहिए, उसमें एक महत्वपूर्ण सुविधा होती है कनेक्टिविटी। मैंने मेरे अफसरों को कहा है कि क्या हम ये जो दिल्ली काठमांडू के बीच बस सेवा चलेगी, वो बस सेवा वाईफाई के साथ हो सकती है क्या? अगर वाईफाई के साथ वो बस सेवा होगी तो टूरिस्ट जरूर पसंद करेगा, क्योंकि वो अपना बस में जाता रहेगा, वो दुनिया से अपना कनेक्ट होता रहेगा, अपना आनंद लेता रहेगा। हमारे अफसरों ने कहा कि साहब मालूम नहीं है, हम तरह देखेंगे कितना संभव है। मैंने कहा तो है, अब देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल अगर सपोर्ट मिल गया तो ये काम भी हम करवा देंगे। लेकिन हम चाहते हैं व्यवस्थाएं हो, व्यवस्थाएं आधुनिक हो और सुविधाजनक हो। मैंने एक चिंता जताई थी कि भारत में हमारे नेपाल के लोग बहुत बड़ी मात्रा में है, नेपाल और भारत की रिश्तेदारी भी बहुत है, व्यापारिक संबंध भी है, और इसलिए यहाँ के फोन कॉल बहुत महंगे होते हैं। मैंने कहा था कि अमेरिका बात करना सस्ते में जाता है, लेकिन नेपाल इंडिया बात करना महंगा जाता है। अब मैंने कहा था सस्ता होना चाहिए, मैंने भारत गया, मैंने कहा, उनको पूछा, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो ये,
क्या हम नहीं मदद कर सकते? लेकिन जब जाना तो मुझे आश्चर्य हुआ, भारत में तो इसका रेट सिर्फ 40 पैसा है, लेकिन यहाँ पर वो रेट शायद 3.5 रुपया है नेपाल में, नेपाल जी अथॉरिटी जो है। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भाई अब क्या करूँ, मैंने तो कह दिया है। मैंने कहा ठीक है, हम नहीं लेते हैं, न के बराबर लेते हैं, थोड़ी कुछ कम करें। मैंने 35% कम करने का फैसला कर लिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ नेपाल की जो टेलीफोन सेवा है वो भी उसमें कुछ कम करें, ताकि नेपाल के लोगों को और नेपाल से साथ जुड़े हुए भारत के संबंधों में ये टेलीफोन का खर्चा थोड़ा कम होना चाहिए। मैंने मेरी तरफ से कर सकता हूँ इतना जरूर कर दिया है। मैं चाहूँगा कि यहाँ उस दिशा में कुछ हो। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके हम लोग रोड मार्ग से जब आते हैं तो वहाँ पर कुछ प्रश्न थे पिछली बार, मैंने उसको तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्टर समस्याएं थी, उसको भी रद्द करने के लिए कह दिया है, और मैं मानता हूँ 6 महीने के भीतर भीतर आपको सही रूप में वहाँ पर प्रगति दिखाई देगी। एक और बात है नेपाल और भारत के संबंधों में, एक तो बहुत बड़ी मात्रा में नेपाली के लोग जो भारत में काम करते हैं वो यहाँ आते हैं, भारत के टूरिस्ट यहाँ आते हैं। एक कठिनाई थी 500 और 1000 रुपये की नोट, वो प्रतिबंधित थी। हमने नेपाल सरकार को प्रार्थना की थी और हमने मिलकर के एक निर्णय किया है कि अब भारत से 500 रुपये और 1000 रुपये की नोट और 25,000 की मर्यादा में ये हम ला सकते हैं। इसके कारण भारत में काम करने वाले जो नेपाल के लोग अपने घर वापस आते हैं तो उनको साथ में पैसे लाने हो तो उनको सुविधा बनेगी, और जो टूरिस्ट आते हैं टूरिस्ट के हाथ में भी पैसे रह पाएंगे। तो इस व्यवस्था को भी हमने निर्णय कर लिया है और मैं मानता हूँ उसमें एक काम जिसका मेरा स्वयं का बहुत अच्छा अनुभव है। मैं जब गुजरात में काम करता था तो गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव हमने लिया था, हिंदुस्तान में हम सबसे पहले इस काम को किया था, और वो था सॉइल टेस्टिंग। आमतौर पर हम डेवलपिंग कंट्रीज में मनुष्य का भी हेल्थ कार्ड नहीं होता है, लेकिन हमने कोशिश की थी कि सॉइल हेल्थ कार्ड बने, और किसान के पास जो जमीन है उस जमीन में क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बीमारियां हैं, वो जमीन किस क्रॉप के लिए कित उपयुक्त है, किस क्रॉप के लिए अनुपयुक्त है, किस जमीन पर कौन सी दवाई सूट करेगी, कौन सी दवाई सूट नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें सॉइल टेस्टिंग से संभव होती हैं। और ये करने से औसत 1 एकड़ भूमि में किसान फसल तो ज़्यादा कर सकता है, लेकिन साथ साथ जो फालतू खर्चे होते हैं, गलत दवाइयाँ डाल देता है, गलत फर्टिलाइजर डाल देता है, गलत क्रॉप डाल देता है, वो सब उसका बच जाता है, और करीब करीब 1 एकड़ भूमि में 15-20 हज़ार रुपया तो सहज रूप से उसकी मदद हो जाती है। ये सॉइल टेस्टिंग का काम नेपाल में भी हो, ये बात मैंने पिछली बार प्रधानमंत्री जी से मिला था तब मैंने कही थी कि आपको लाभ होगा, तो उन्होंने कहा देखेंगे। फिर मुझे लगा कि मैं सुझाव दे के चलाऊँ वो कोई शोभा नहीं देता है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो आज हम एक मोबाइल सॉइल टेस्ट की लेबोरेटरी नेपाल को भेंट दे रहे हैं, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। उससे पता चलेगा एक निश्चित एरिया में अगर जमीन का इस प्रकार की जांच हो गई, आप देखिए उसको अगर बाद में आप चलाएंगे तो बहुत लाभ होगा। तो एक बहुत बड़ा काम हमने पिछली बार कहा था भाई, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, देश जुड़ते हैं तब जब जन जुड़ता है, और जन भी तब जुड़ता है जब मन जुड़ता है, लेकिन मन जुड़ने की जन जुड़ने की प्रक्रिया कुछ व्यवस्था के तहत होती है, और इसलिए हम चाहते थे कि जन जन संपर्क बढ़ना चाहिए, और इसलिए हमने यूथ एक्सचेंज की बात की थी। मुझे खुशी है कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में पहली बैच ऑलरेडी हिंदुस्तान पहुंची हुई है। इन दिनों कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वे नौजवान सारे नेपाल के
वहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो एक एक चीज हम तेजी से कर रहे हैं। दूसरा मैंने कहा था हम नेपाल को ई लाइब्रेरी देंगे। मुझे खुशी है कि नेपाल सरकार की तरफ से और नेपाल के कुछ प्रमुख लोगों की तरफ से ई लाइब्रेरी उनको कैसी चाहिए उसके बहुत अच्छे सुझाव आए, और मैं मानता हूँ हमारे लिए भी सीखने जैसे अच्छे सुझाव आए। और मैं मानता हूँ कि ये जो आपका सक्रिय योगदान था, तो हम ई लाइब्रेरी का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जैसी आपकी अपेक्षा है, उन आपके सुझावों को संकलित करते हुए उस ई लाइब्रेरी को हम प्रारंभ करेंगे। और मैं मानता हूँ कि वक्त बदल चुका है, 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, और जो ज्ञान के उपासक हैं उनका ये युग आने वाला है। नेपाल और भारत इस भूखंड की संस्कृति ज्ञान की उपासना की संस्कृति रही है, नेपाल भी ज्ञान की उपासना वाली संस्कृति का विरासत को लेकर के चल रहा है, और इसलिए ई लाइब्रेरी उस ज्ञानवर्धक एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगी। और इस ये युग ऐसा है कि जितनी हाईवेज की ज़रूरत है उतनी ही आईवेज की ज़रूरत है। हाईवेज भी चाहिए, इन्फॉर्मेशन वेज भी चाहिए। ई लाइब्रेरी एक प्रकार से आईवेज का काम करेगी, और जो हम नेपाल में प्रवेश करने वाले रास्ते ठीक करेंगे वो हाईवेज का काम करेंगे। भारत आपके हाईवे भी चिंता करेगा, आपकी आईवेज की भी चिंता करेगा, और उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा सुरक्षा सहयोग भी बहुत ही एक विश्वास का वातावरण चाहिए। सुरक्षा का काम तब होता है जब दो देश के बीच में अटूट विश्वास हो, भरोसा हो, और आज नेपाल और भारत के बीच में वो विश्वास का ताना बाना इतना मजबूत हुआ है कि जिसके कारण रक्षा के क्षेत्र में भी भारत और नेपाल मिलकर के काम कर रहे हैं। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि हम एक ध्रुव हेलीकॉप्टर जो सेना के काम आएगा वो आज भारत की तरफ से नेपाल को हम समर्पित कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है नेपाल को एक अच्छा रक्षा कवच मिलेगा, वो एक नई ताकत बनेगा। यहाँ पर पुलिस एकेडमी का काम भी, उसका फाउंडेशन स्टोन, उसकी चिंता भी हम करेंगे, और यानी अनगिनत चीज़ें 100 दिन के भीतर भीतर अनगिनत चीज़ों का एक के बाद एक हो जाना, ये अपने आप में ही दो सरकारों के बीच विश्वास की ताकत कितनी बड़ी गति देती है, कितना बड़ा परिणाम देती है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि पिछली बार जब मैं आया तब आपकी संविधान सभा को संबोधित करने का मुझे अवसर मिला था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संबोधित करने का अवसर मिला था, और एक प्रकार से नेपाल के सभी स्टेक होल्डर्स कहिए, नेपाल के सभी क्रीम कहिए, वो सभी एक विशाल समूह के सामने मैं आया था। और तब भी मैंने कहा था कि नेपाल जितना जल्द अपना संविधान बनाएगा उतना ही नेपाल का भविष्य के लिए वो एक नई ताकत मिलेगी। नेपाल के संविधान के निर्मिति में जितना विलंब होगा वो विलंब नेपाल के लिए अच्छा नहीं होगा। संविधान आप बनाएं, आपके तरीके से बनाइए, आपके निर्णय होंगे, भारत का उसमें कोई दखल नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी खुशी हमें मुस्कुराहट देती है, और इसलिए भी संविधान का जल्दी बनना बहुत जरूरी है। और मेरा ये भी आग्रह था कि संविधान के अंदर एक ऐसा गुलदस्ता बने कि नेपाल के हर कोने में रहने वाले व्यक्ति को लगे कि मेरा भी फूल उस गुलदस्ते में है, मेरे फूल की महक भी उस गुलदस्ते में है। कभी मधेसी को यह नहीं लगना चाहिए कि हमारा पूछने वाला कौन, कहीं पहाड़ी को यह नहीं लगना चाहिए कि हमें पूछने वाला कौन, माओवादी को नहीं लगना चाहिए कि हमें पूछने वाला कौन। ये संविधान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हर किसी की आवाज़ हो, हर किसी के सपने हो, हर किसी के अरमान हो, हर किसी को काम करने का अवसर हो, और वो काम नेपाल की संविधान सभा बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है, लेकिन समय बहुत जा रहा है। और मैं इसलिए सार्वजनिक रूप से
आज नेपाल के सभी राजनीतिक नेताओं से आग्रह करूंगा, संविधान का निर्माण सहमति से ही करने से फायदा होगा, संख्या के बल पर संविधान का निर्माण कभी भी नेपाल का भला नहीं करेगा। सहमति से संविधान बने और आगे चल करके भी, आज भी भारत का संविधान इतने साल हो गए, हर वर्ष हम कुछ न कुछ अमेंडमेंट करते ही जाते हैं और वो अमेंडमेंट दो तिहाई से करते हैं। एक बार संविधान सहमति से बने, बाद में संसद बने और संसद में दो चार चीजें जोड़ने कम करनी लगती हैं तो आप दो तिहाई बहुमत से जरूर कर सकते हैं, लेकिन पहला प्रारूप अगर सबको अपना नहीं लगता है तो नेपाल को बहुत बड़ी कठिनाई आएगी। तो आपके एक मित्र देश के नाते आपको दुख हो, आपको कठिनाई हो और हमें समझ हो तो वो स्थिति हम देखना नहीं चाहते हैं। फिर एक बार आज सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से जिंदगी बचाने के लिए ये ट्रॉमा सेंटर काम आ रहा है, उसी प्रकार से नेपाल के सपनों को संवारने के लिए संविधान एक औसत बनकर के आ रहा है। मैं चाहूंगा कि उस संविधान की पवित्रता उसी पवित्र भाव से, और मैंने कहा था ऋषि मन होगा तब संविधान बनेगा, संविधान सभा में बैठे हुए हर व्यक्ति का ऋषि मन होना चाहिए और ऋषि मन को लेकर के संविधान का निर्माण होगा, ये मैंने आग्रह से कहा था। मैं आज फिर नेपाल की धरती पर आया हूं, मैं विश्वनाथ की धरती पर काम करता हूं, पशुपतिनाथ की धरती पर आया हूं, तो मेरा भी आपको प्रार्थना करने का हक बन जाता है। मैं प्रार्थना करने आया हूं, मैं उसी धरती से आया हूं, अगर बौद्ध गया से मैं आज एक पौधा लेकर के आया हूं जो हमारे एम्बेसडर लुम्बिनी में जाकर के उसको रोपित करने वाले हैं। एक ऐसा संदेश लेकर के आया हूं जो हमें सांस्कृतिक प्राण शक्ति देता रहता है और उस भरोसे भी मैं कह सकता हूं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आप संविधान बनाने के काम में विलंब मत कीजिए, सहमति से बनाने का ही प्रयास कीजिए और सारे रास्ते नए संकटों को जन्म देंगे। मैं अयोध्या और जनकपुरी का नाता जानता हूं, इसलिए भी हम लोगों को आपसे प्रार्थना करने का हक बनता है कि आप सहमति से संविधान का निर्माण कीजिए, जल्द कीजिए, लोगों की आशाओं पर आप खरे उतरे। आप देखिए आप लोगों का नेतृत्व नेपाल को कहां से कहां पहुंचाएगा और युग इस भूभाग के भविष्य का है, एशिया के भविष्य का समय है, नेपाल को ये मौका चूकना नहीं चाहिए। विश्व के अंदर एक ताकत बनकर के नेपाल ने खड़ा होना चाहिए। लोकतांत्रिक अवस्था नेपाल को एक नई ताकत देगा, नई पहचान देगा, विश्व नेपाल को स्वीकार करने लग जाएगा। ये स्थिति आपके हाथों में है, मौका आपके पास है, 30-40 दिन का समय बचा है। मैं विश्वास करता हूं कि इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे। फिर एक बार ये ट्रॉमा सेंटर यहाँ के किसी भी पीड़ित की जिंदगी को बचाने के लिए काम आएगा, भारतवासियों को बहुत संतोष होगा। हमारे लिए एक प्रकार से सेवा परमो धर्म है, जीव दया का ये काम हुआ है। एक मन के संतोष के साथ मुझे इस अवसर पर आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उनके परिवार में संकट होने के बाद भी जिस उमंग और उत्साह के साथ इस पूरे सार समिट की आप चिंता कर रहे हैं, पूरा नेपाल अभिनंदन का अधिकारी है। मैं एयरपोर्ट से उतरा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या उत्साह है, क्या उमंग है। आपने सार्क देशों के सभी नेताओं का दिल जीत लिया है, आपने ये व्यवस्था के लिए नेपाल ने जो ताकत दिखाई है, नावीन्य दिखाया है, अपनापन दिखाया है, बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री जी को और पूरे नेपाल को मैं हृदय से नमन करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद।